सो बेटा वी हैव गॉट बाबर स्कोर 2 रन्स, तो हम अगर रनसिस कर देंगे यहाँ पर तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, रनसिस नहीं होगा कभी भी, ई एस नहीं लगेगा, तो रन सिंगुलर है, उसका प्लूरल रन्स है, रनसिस करेंगे एंड देन दैट इज एरर, जो कि डबल प्लूरल हम नहीं करते, अवॉइड मेकिंग डबल प्लूरल्स। उसके बाद ये वर्ड है आपका गूस, तो इसका प्लूरल क्या है, गीज। एंड हेयर वी हैव गॉट, अगर इसके साथ अगर हम क्या करेंगे गीज, एंड गीज को अगर गीजिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सच एज वी हैव गॉट वर्ड फुट, एंड फुट का प्लूरल क्या है, फीट है, एंड देन अगर इसको बाज़ुकात बच्चे क्या करते हैं, फीट्स कर देते हैं, जो कि दैट इज़ रॉन्ग कम्प्लीटली, फीट होगा, या फिर क्या कर देते हैं, फुट्स कर देते हैं, जो भी रॉन्ग है। एंड देन वी आर सपोज टू अवॉइड वॉट मेकिंग डबल प्लूरल। सो वी हैव कवर्ड टू टॉपिक्स ऑफ आर नाउन, इन यू नो काइंड्स ऑफ नाउन वी हैव कवर्ड प्रॉपर नाउन एंड इट्स यूसेजेस, एंड देन कॉमन नाउन एंड इट्स टू काइंड्स, कॉमन प्लूरल नाउन एंड कॉमन सिंगुलर नाउन। वी हैव ऑलरेडी यू नो बिफोर टुडे एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कॉमन सिंगुलर नाउन, एज वी हैव डिस्कस्ड टुडे कॉमन प्लूरल नाउन, एंड देयर आर 3 यूसेजेस ऑफ कॉमन प्लूरल नाउन, दैट इज यूज प्लूरल वर्ब एंड देन अवॉइड यूजिंग आर्टिकल ए आर एन एंड देन अवॉइड मेकिंग डबल प्लूरल। सो बेटा जो आपके एंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो इस हिसाब से आते हैं कि आपने कभी भी किसी भी प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ करना, एंड देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी आपने अवॉइड यूजिंग आर्टिकल, इनके साथ हमने आर्टिकल अ एंड एन का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो प्लूरल होते हैं। अ एंड एन का मतलब होता है सिंगल वन, एंड देन अवॉइड मेकिंग डबल प्लूरल्स, जो कि डबल प्लूरल हमने कभी भी नहीं करने, वुमन विमेन, लाइक विमेन्स नहीं होता, विमेन्स होता ही नहीं है कभी भी, एंड देन मैन मैन, एंड देन चाइल्ड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेंस नहीं करेंगे, एंड देन दिस इज हाउ दिस ऑल गोज। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, होप यू आर सेलिंग इन द बोट ऑफ हैप्पीनेस, यू आर इंजॉइंग दिस लेक्चर्स एंड एक्टिविटीज, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।